मैं जब खेलने गया ना पेशावर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो बाकी जो इटली थे ना उन्होंने मुझे देखा, यार आप तो बिल्कुल बॉल की तरह भागते हो यार। मैंने बोला यार ये तो मज़ा आ रहा सुन के क्या बॉल की तरह भागते हैं। देखिए मेरा एक छोटा सा इलाका है करीमबख्श पाड़ा उसका नाम है, वहाँ मैं पैदा हुआ। तो उसके बाद मुझे पता नहीं मैं फिर मुझे याद नहीं मैं बड़ा कैसे हुआ। बचपन से शौक फुटबॉल का था, वहाँ देखता था लोगों को खेलते हुए, स्कूल से फ़ौरन भागते हुए आके बैग फेंक के बॉल लेके सीधा ग्राउंड जाके खुद अपना जो फुटबॉल में जो वीडियो देखता था अपने यूट्यूब पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाकी सब प्लेयरों के, तो वो वीडियो देख देख के जाके ग्राउंड में करके कोशिश करता था कि इस तरह करना है। जो आपके साथ होता है तो वो भी जान लगा रहे होते, आप भी जान लगाते हो एकदम से ना, या वो गिवअप करता है या आप गिवअप करते हो, दोनों से किसी ने भी अगर हल्का सा भी गिवअप किया ना तो पूरा रेस गया। एक दिन आया तो यहाँ पे एनसीसी में एक अमन टेक का मीट हो रहा था, उस वक्त मैं था मैट्रिक में, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने फ़ोन किया मुझे कि अमन टेक का कोई प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे रनिंग का, तो तुम आओगे भागोगे? मैंने आपको सर मैं तो भागने का शौक है मेरे को, फुटबॉल तो मैं खेलता हूँ, भागना तो कोई बड़ी बात नहीं है, भाग लेंगे। तो यहाँ पर मैं आया अपने आसपास को देख रहा हूँ कि उनको स्पाइस पहने हुए हैं, मुझे तो फुटबॉल के शूज़ पहने हुए हैं, मुझे पता ही नहीं था बैठते कैसे हैं ओनियू मार्क में और सेट कैसे होते हैं। अब जो ओनियू मार्क सेट बोल रहे हैं मैं उसको देख रहा हूँ, ओनियू मार्क सेट गो, जैसे ही गो हुआ सब निकले, फिर मैं उनके पीछे भागा हूँ, उनके पीछे भागा भागा भागा, आखिर में जोर अपना पूरा जान लगा लगा के आखिरी जो है फिनिश पे मैं उनसे आगे निकल गया था, उनको जीत गया था। सबसे पहले तो मेरे लिए मुश्किल था फुटबॉल को छोड़ना, फुटबॉल में छोड़ नहीं सक रहा था। फुटबॉल में मैं जब भी मैच खेलने जाता था तो यहाँ पे दोबारा ट्रेनिंग करने आता था, तो उसमें मुझे मेरे से यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं हो रहा था उस तरह। कोच मुझे कह रहे थे कि तुमने फुटबॉल का मैच खेला है, कोच को मैंने कहा था जी कोच खेला है, तो कोच ने कहा कि दो कश्ती पे पाँव रखोगे तो डूब जाओगे। तो मैंने सोचा कि फुटबॉल छोड़ देना चाहिए मुझे। तो फिर यहाँ पे एक मीट हुआ कराची, आई थिंक एथलेटिक कुछ लीग था, तो यहाँ पे मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, जो कराची का फास्टेस्ट मैन था वो मुझे जीत गया, मैं सेकंड हुआ डिप पे। तो फिर एक अलग से अंदर से आग लगा कि अब नहीं मुझे बीट करना है, इसको बीट करना है। तो फिर कोच ने मुझे समझाया कि तुम इसको बीट करोगे क्या फ़ायदा, बीट करना है तुम्हें तो मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ इस टाइम को बीट करके दिखाओ। तो कोच ने जब एक टारगेट दिया कि तुम्हें अब इस टाइम को बीट करना है, कोच ने कहा कि तुम्हें 11 ब्रेक करना है। उस वक्त कराची में 11 ब्रेक करना तो मतलब वर्ल्ड में आप समझ ले आपने गोल्ड मेडल जीतना है, वो उस हिसाब में था। तो फिर हमारे क्लब ने आई थिंक एक मीट कराया, कैन यू ब्रेक 11 सेकेंड इन 100 मीटर, तो उस मीट में मैंने पार्टिसिपेट किया। दोबारा वो जो कराची का फास्टेस्ट मैन था वो भी मेरे मीट में मेरे साथ ही बैठा, तो फाइनल में हम बैठे दोनों, ऑन यू मार्क सेट गो। जैसे रेस स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड में भी ये कहते हैं कि लंबे जो लोग होते हैं उनका स्टार्ट स्लो होता है, फास्ट नहीं होता, क्योंकि वर्ल्ड में यूसेन बोल्ट भी खुद को खुद कहते हैं कि मेरा स्टार्ट बाकी लोगों से स्लो है, हकीकत में वो जब स्टार्ट में निकलते तो बाकी सब निकल जाते हैं। तो बोल्ट भी ये कहते हैं कि मेरा स्टार्ट स्लो है लेकिन फिनिश में सबसे पहले करता हूँ। तो रेस बिल्कुल उसी तरह का हुआ, रेस स्टार्ट हुआ तो वो मुझसे निकला, दो तीन मीटर मुझसे आगे था, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर मैं इसके साथ हुआ, 60 मीटर थोड़ा सा आगे निकला, 70 मीटर मैंने इसको क्रॉस किया। जब फिनिश के बाद दोबारा घूम के आया, मैंने टाइम पूछा तो टाइम आई थिंक था 10.8 समथिंग, कराची मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था वो टाइम। तो मैंने कोच को बोला कोच आई कैन डू दिस।
लेकिन सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक यंग प्लेयर के लिए। अब इंजरी का मिसाल ले लेना, अब अगर आप इंजर्ड हो जाओ तो आपको कोई पूछे ना तो फिर आप अंदर ही अंदर आप ख़त्म हो जाते हो, छोड़ देते हो। वरना जाहिर सी बात है, मैं तो चाहूँगा मुझे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग मुझे जाने कि मैं भी अपने फील्ड में कुछ कर रहा हूँ, कुछ करने जा रहा हूँ, जो लोग सारे मुझे जाने, जो लोग अप्रिशिएट करें तुम करो, तुम कर सकते हो। इस तरह के लोग आपको मिलते हैं तो आप और ज़्यादा आपको बूस्ट मिलता है कि आप और ज़्यादा आके मेहनत करते हो। अभी PSL होने वाला है, हमारा ट्रैक बंद हो जाएगा, हम ट्रेनिंग कहाँ करेंगे। क्रिकेटर हैं, बाकी सब लोग हैं, देखिए वो सब लोग अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है लोग उनको लाइक भी करते हैं, उनको ज़्यादा जानते भी हैं। अब हम मेहनत भी कर रहे हैं, ये नहीं क्योंकि हम लोग मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं या वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके ज़्यादा उनको ज़्यादा देखा जाता है, उनके ज़्यादा टूर्नामेंट वगैरह उनके ज़्यादा होते हैं। हमारे साल में 2 या 3 मीट होते हैं, मीट भी जैसे होते हैं कोई वो पता नहीं, बस वो जीत गया बंदा, बस ख़त्म हो गया। तो वो अगर वो जीतते हैं तो उनका हेड बनता है, हेड में दिखाते हैं पहले। अब देखिए कितने सारे उनके हेड बने, सबको बुला रहे हैं, सब हेड बना रहे हैं। अब हमारा भी अगर कोई मीट हो रहा हो ना, ये नेशनल गेम हो रहा हो या चैम्पियनशिप हो रहा हो, तो हमारा भी मतलब इस तरह के हेड बने, लोग हमें देखें यार इस लड़के का मीट होने वाला है। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में ये होता है, हमारा मीट होता है, हम खुद अपना वीडियो बनाते हैं, खुद देते हैं, भाई मैं जीता हूँ मुझे अप्रिशिएट करो। मुझे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली है, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। अभी देखें, ये मुझे अपर पहना हुआ ना, मैं गया था नेपाल खेलने, तो वहाँ पूरे सेफ गेम में, आप हमारे लिए सेफ गेम में जाना तो एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये जैकेट मिलना तो मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। अब मैं सेफ गेम में, मैं सिर्फ सिंध से वाइज बनता हूँ जो सिर्फ मैं सेलेक्ट होकर गया हूँ, तो मतलब सिंध गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वाइज सिंध से मैं गया हूँ, मैं प्लेयर हूँ सिंध का, मुझे सपोर्ट करें, मुझे बुलाएं, मुझे अप्रिशिएट करें। अभी हुए थे काजम गेम बेनर सुबाई, 2 बार हुए हैं, तो मैं गया खेलने वहाँ, 100, 200 मीटर और 4x4 रिले, मैंने 3 मेडल लिए फर्स्ट कजन गेम में। दोबारा मैं इधर आया, उन्होंने बुलाया, मुझे चेक दिया, 40,000 रुपये का चेक था। मैं बैंक गया, अरे चेक तो आपका नहीं है कोई, इसमें पैसे ही नहीं है। दोबारा मैंने अभी दोबारा गया, मैंने बोला यार दूसरे बैंक में चेक करता हूँ शायद होगा, तो मेरा चेक ही बाउंस हो गया। मैंने बोला यार ये तो पैसे ही मेरे पास ही नहीं आ रहे यार, लगता है कुछ किया नहीं है मैंने। पहले तो मैं TV में देखता था ना चीज़ों को, कि लोग जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए खेलने, उनको मैं देख रहा हूँ, और ख़ास तौर पर पे जो सबसे जो ब्यूटीफुल और अमेजिंग जो मूवमेंट है ना, आपके लिटरली आपके आंखों से जो है ना आंसू निकलते हैं जब आपका मुल्क का झंडा ऊपर जाता है और आपका तराना बजता है। तो अभी जब मैं गया था इस वाले नेपाल में ना, साउथ एशियन गेम्स में, वहाँ पे 3-4 बार जो ना तराना बजाना, तो मैं तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मैं तो रोने लग गया था कि लोग जा रहे हैं वहाँ खेलने, उन्होंने गोल्ड किया था, कितनी बड़ी बात है, आप कतराना बज रहे हो और आप खड़े हो, सारे मुल्क आपको देख रहे हैं, ये एक अमेजिंग मोमेंट होता है ना। तो मेरा भी एक ख्वाहिश है कि मैं अपने मुल्क का तराना ओलंपिक में जो है ना करके दिखाऊँ, बजा के दिखाऊँ कि सब वाकई लोग देखें मेहनत किया है मैंने।